हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल होटल इन गुड गाइस। सो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फेस्टिव वेयर हॉल, जिसमें मैं आपको टू पीसेज एंड इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस दिखाऊंगी। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस माय हॉल स्टोर पे। और ये हॉल पसंद आए, आपको अच्छी लगती है मेरी हॉल्स वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो गाइज। आई रियली नीड योर लव एंड सपोर्ट। अच्छी लगी तो लाइक कर देना और कॉमेंट भी बताना कि कौन सी कुर्ती सेट या फिर ड्रेस अच्छी लगी आपको। और फेस्टिव वेयर सीरीज चल रही है गाइस चैनल पे, आगे आप और भी कुछ देखना चाहते हो तो वो कमेंट करो। एंड नेक्स्ट साड़ी हॉल आने वाली है तो स्टे ट्यून। एंड नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स, फर्स्ट मैंने पिक करा है कुर्ती एंड प्लाजो। सो इंडो वेस्टर्न ड्रेस है ये, पर्पलिश पिंक कलर है गाइस इसका, बहुत ही लाइट कलर है एंड बहुत ब्यूटीफुल कलर है। पैटर्न भी इसका बहुत यूनिक, बहुत डिफरेंट है। प्राइस ये मुझे 70% ऑफ में मिली है इंडस ब्रांड से, तो ये मुझे 1400 रुपीज़ की पड़ी है। हमेशा वेट कीजिए गाइस, अभी प्राइस बढ़ी हुई है पर 1700 इसकी प्राइस जाती है, 70% आपको इंडस ब्रांड में ऑफ मिलती है। सो हमेशा चेक करते रहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड जिसका पैटर्न है वो बहुत ब्यूटीफुल, पूरा कुर्ती पे लाइक थ्रेडवर्क करी हुई है ऐसे साइड कट के साथ। अगर आप देखोगे तो जो थ्रेडवर्क की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है, मतलब एकदम एक्सपेंसिव लगेगा, लगेगा ना आपने 1400 की कोई ड्रेस पहनी है। एंड स्लीव पे भी वर्क है इसका। जो पैटर्न है स्लीव का गाइस, एक तरफ तो आपको स्लीव्स मिल रही है, दूसरी तरफ आपको बस ऐसे ही कफ्तान टाइप ऑफ लटकन मिल रही है जिसके अंदर इनर लाइनिंग है। इसके साथ इनर लाइनिंग अटैच है, तो इनर लाइनिंग के पे आपको एक तरफ स्लीव्स पे हाथ डालना है और ऊपर से ये लटकन आपको मिल जा रही है। तो बहुत ही कंफर्टेबल है, प्लाजो जॉर्जेट मटेरियल की, कुर्ती भी जॉर्जेट मटेरियल की है, दोनों इनर लाइनिंग के साथ आती है कुर्ती प्लस प्लाजो। सो इसको मैंने स्टाइल करा है ये बीच सॉरी पर्ल्स ईयरिंग्स के साथ, जो लॉन्ग ईयरिंग्स, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। एक्चुअली ये सेट है जिसका ईयरिंग्स मैंने पहना है, और वाइट बैंगल्स मैंने डाले हैं क्योंकि मुझे फेस्टिव में तैयार होना है, तो बैंगल्स के साथ बहुत औसम लुक आती है। एंड हेयर स्टाइल मैंने टाई करा है, बन कर लिया है, बहुत ही सिंपल बन है ये, 2 मिनट में हो जाता है और देखने में बहुत क्लासी लगता है। जब भी इस तरीके से कोई मुझे पैटर्न मिलता है जिसको मुझे जिसकी नेकलाइन मुझे फ्लॉन्ट करनी होती है डिज़ाइन, तो मैं हमेशा हेयर को टाई कर देती हूँ, ज़्यादा बेटर लगता है। सो मेरी हाइट 5'4" है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको कितनी आएगी। सो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कुर्ती सेट है गाइस, 200% रिकमेंड करूँगी। बहुत फ्लोई मटेरियल है, मटेरियल बहुत औसम है, थ्रेडवर्क जो करी। नेक्स्ट मैंने पिक करा है ये 3-पीस सेट, जिसमें आपको क्रॉप टॉप, स्कर्ट और ये श्रग मिल रही है, जो कफ्तान डिज़ाइन में श्रग है गाइस। ये मुझे 2200 रुपीज़ में मिली है 70% ऑफ में, राइट नाउ 57% ऑफ में मिल रही है, तो वेट कीजिए, 70% ऑफ जाती है। पीच कलर की कुर्ती सेट है ये, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ब्यूटीफुल। एंड इसका जो मटेरियल है वो आपको ऑर्गेन्जा मटेरियल मिल रही है स्कर्ट की और श्रग की गाइस, और सिल्क ब्लेंड है क्रॉप टॉप की। इसका पैटर्न देखोगे आप, एक तो कफ्तान स्टाइल में आपको जैकेट ये मिल रही है श्रग, और बैक पे आपको गोटापट्टी की डिटेलिंग मिल रही है, सेम आपको ब्रॉड फ्रंट पे भी गोटापट्टी की डिटेलिंग मिल रही है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और स्कर्ट की मैं बात करूँ तो घेर काफ़ी अच्छी है, इनर लाइनिंग के साथ आती है, सैंदून मटेरियल का इनर लाइनिंग है और कुछ इस तरीके से लुक देती है ओवरऑल। और इस पर जो ब्रॉड बॉर्डर करी हुई है गाइज वो जरी का है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, एंड कलर के साथ इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, इतने अच्छे से कॉम्बाइन करा हुआ है। आप आने वाले दिवाली पे वेयर कर सकते हो, करवा चौथ पे वेयर कर सकते हो। मैंने ये मांगटीका एंड ईयरिंग्स के साथ दिखाया है, मुझे बहुत पसंद आई एंड फ्रैंकली मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रही हूँ इसे पहनकर। साइज़ मेरा इस पर मीडियम है, हमेशा वेट कीजिए, 70% ऑफ जाए तो ग्रैब कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल आपको पड़ेगी क्वालिटी के हिसाब से। तो कैसी लगी कॉमेंट पर ज़रूर से बताओ। नेक्स्ट मैंने पिक करा है ये हॉट पिंक कलर की कप्तान, एंड ये मुझे 1200 रुपीज़ में मिली, अगेन 70% ऑफ में, राइट नाउ 55% ऑफ है, तो थोड़ा एक्सपेंसिव है बट मैं फिर कहूँगी थोड़ा वेट कीजिए, 70% ऑफ इंडस पे जाती है। सो ये कप्तान में एक और कलर ऑप्शन है लाइट ग्रीन, वो भी आप चेक कर सकते हो। तो इसका पैटर्न जो है गाइज वो तो कफ्तान, लॉन्ग कफ्तान में है, जैसे शॉर्ट कफ्तान कुर्ती जो आती है वो शॉर्ट में होती है, लॉन्ग में है। और फ्रंट में ना आपको इस तरीके से जरी का वर्क करा हुआ प्लीट्स बनी हुई है, एंड सेम प्लीट्स की वजह से ना बहुत अच्छी नीचे जो लुक आ रही बहुत अच्छी आ रही है। बैक पे भी आपको सेम प्लीट्स बनी हुई है, ये साइड स्लिट के साथ आती है, स्लिट बहुत हाई नहीं है, बहुत कम है, जो पहनने में आपको कंफर्टेबल बनाती है, क्योंकि स्लिट नहीं होती तो पहनना इजी नहीं होता। सो इसको मैंने स्टाइल करा है ये नेकलेस के साथ, जो फर्स्ट में मैंने ईयरिंग्स डाले थे ना वही सेट है, सेम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। सबको ऐसी ड्रेसेस पसंद नहीं आती आई नो, बट कुछ डिफरेंट ट्राई करो, कफ्तान बहुत फैशन में है अभी, इन दिनों बहुत इन है, और
पहनोगे तो बहुत अच्छी लगे, मुझे पर्सनली अच्छी लगी, मुझे इस तरीके के ड्रेसेस अच्छे लगते हैं एंड मैं से भी रेकमेंड करूँगी। सैटिन मटेरियल है और हॉट पिंक कलर है, जरी का वर्क भी आपको फ्रंट पे मिल रहा है प्लस थोड़े से बैक पे मिल रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ इस तरीके से प्लीट्स ऑफ वी नेक के साथ ही आती है गाइस, कुछ इस तरीके से इसकी नेक लाइन है। सो आपको कैसी लगी आप कॉमेंट पर बताओ। इस पर इनर लाइनिंग नहीं मिल रही है आपको, साइज़ मेरा मीडियम है। नेक्स्ट मैंने पिक करा है ये 3-पीस सेट गाइस, जिस पे आपको श्रग, क्रॉप टॉप और प्लाजो मिल रही है। इस पे मेरा साइज़ मीडियम है और ये मुझे 70% ऑफ 1700 रुपीज़ में मिली है, राइट नाउ 55% ऑफ चल रही है। तो प्राइस पे थोड़ा आप देखें गाइस, मिंत्रा के पेज पे चेक करें, क्योंकि प्राइजेज जो है बहुत अप एंड डाउन होती है। सो इसका जो नेकलाइन है वो मुझे बहुत पसंद आया है, प्लस इसका जो स्लीव्स पैटर्न है, आपको पफी स्लीव्स के साथ श्रग मिल रही है जिसपे नीचे कोई इलास्टिक भी आ रही है, तो ये जो स्लीव्स का पैटर्न ये मुझे बहुत अच्छी लगती है एंड स्वीट हार्ट नेकलाइन के साथ और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना रही है। मैंने उस पर पीच एंड पिंक कलर का इयररिंग्स डाला है जो काफ़ी अच्छे से मैच कर रही है इस ड्रेस पे। आपको प्लाजो पे बेल्ट भी मिल रही है गाइस, और पहनकर मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसे 3-पीस सेट जो होते हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। इसका जो मटेरियल है वो जॉर्जेट है, सो काफ़ी फ्लोई मटेरियल आपको इस पर मिल रही है, श्रग पे भी, प्लाजो पे भी एंड क्रॉप टॉप पे भी जॉर्जेट में, एंड कुछ इस तरीके से ना कटवर्क डिज़ाइन आपको श्रग पे मिल रही है जो नीचे तक को जा रही है ऐसे डिज़ाइन। इसका कलर कॉम्बिनेशन की बात करूं तो सबसे बेस्ट है पीच एंड पिंक कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। 1700 रुपीज़ के हिसाब से थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट इंडस की जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। प्रिंट कुछ इस तरीके से है और प्लाजो की फ्लेयर बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हाँ इंडो वेस्टर्न लोग के लिए परफेक्ट। आप चाहो तो विटॉट श्रग भी यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत प्यारी लगेगी। विथ श्रग किसी कुर्ती में भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी लगेगी। सो आपको कैसी लगी आप मुझे कॉमेंट में बताओ। मुझे तो ये प्लाजो सेट भी बहुत अच्छी लगी एंड आप चाहो तो इसे पे ना सिल्वर ज्वेलरीज भी डाल सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट मैंने पिक करा है ये कुर्ती सेट गाइस, जो कफ्तान कुर्ती है उसके साथ आपको प्लाजो मिल रही है। सो पिंक एंड पर्पल का कॉम्बिनेशन है, 1000 रुपीज़ में मुझे मिली है, मतलब 990 या 50 रुपीज़ में, 1000 के अंडर ही, इंडो इंडिया ब्रांड से है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ती सेट है गाइस। इसका जॉर्जेट मटेरियल है कुर्ती का, इनर लाइनिंग आपको क्रॉप टॉप की तरह मिल रही है। इस पर सेम इयररिंग्स पहने हैं मैंने, जो मांगटिका के साथ आपको सेकेंड ड्रेस पे दिखाया था सेम इयररिंग्स पहना है। कुछ इस तरीके से पर्पल पे फ्रंट पे आपको जरी का काम करा हुआ है, बहुत ही शाइनी है, बहुत ही ज़्यादा पार्टी वेयर फेस्टिव वेयर ड्रेस है। इस पे आपको प्लाजो मिल रही है जो सिल्क ब्लेंड मटेरियल की है एंड प्लाजो के नीचे आपको एक गोटा पट्टी की लाइक उस पे काम करा हुआ है, वो डिटेलिंग भी आपको मिल रही है। अगर आप मिंत्रा के पेज पे देखोगे ना तो उस पे दुपट्टा भी शो कर रहा है, बट दुपट्टा अनफॉर्चुनेटली मुझे रिसीव नहीं हुआ। अगर दुपट्टा रिसीव होता तो ये मतलब 900-950 के हिसाब से एक नंबर सूट होता गाइस। वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही, कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है एंड पूरी कुर्ती पे देखोगे ना तो एक शाइन शीन है जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। एक्चुअल में जो कैमरे पे नज़र आ रही है ना, एज इट इज़ आपको मिलने वाली है। सो आज का हॉल कैसा लगा कमेंट पे ज़रूर से बताओगे। इस पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो एंड बहुत जल्द मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।